क्योंकि अब की बात जो फरवरी के समय अंदाज़ा है फरवरी में दिल्ली के चुनाव होंगे, पिछले दो बार से क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक माहौल बना रखा था कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस के बहुत से लोग आम आदमी पार्टी में चले गए थे, प्लस ये सस्ता और बिजली और पानी सस्ती करने का, बसों में फ्री करने का इन्होंने जो समझ लीजिए मन लुभावने वाले सब काम किए थे, इससे एक जनता खुश थी तो उसने कांग्रेस का सारा वोटर समझ लीजिए आम आदमी पार्टी में चला गया। लेकिन जो बात हम लोग बार बार कह रहे थे कि इतनी बेहतरीन शहर जिसकी मूलभूत सुविधाओं की बहुत ज़रूरत है, बहुत पैसा खर्च होना है, सुएज हो, सड़क हो, नई सड़कें हों, नए पुल हों, नई मेट्रो हो, नई बसें हों, हवा साफ रखना हो, बेरोज़गारी के लिए काम करना हो, हरियाली बढ़ानी हो, उन सब के लिए जो हम पैसा खर्च करेंगे, अगर आप मुफ्त में बांटेंगे तो दिल्ली का विकास नहीं हो पाएगा। आज 10 साल बाद ये बात साबित हो गई, आज दिल्ली चरमरा रही है और इसीलिए दिल्ली का वो आमजन जो एक समय में कांग्रेस को छोड़कर और पार्टियों की तरफ गया था, वो एक तरीके से एक होती है ना एक सबसे खूबसूरत स्मृति, वो दिल्ली की उस स्मृति को देख रहा है जो कांग्रेस छोड़ के गई थी। हम लोग अगर उस स्मृति को, उस याद को वोट में तब्दील कर पाए तो आप देखेगा कि कांग्रेस फरवरी के चुनाव में मेरे हिसाब से तो नंबर एक पार्टी बन के निकलेगी। दोनों हिसाब भ्रष्टाचार इतना इसलिए भी बड़ा मुद्दा है क्योंकि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती थी, देखिए दो बात थी, पहले तो क्या हुआ इन्होंने सब पार्टियों में खासकर कांग्रेस पेस के नेताओं पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए, अब ये बात साबित हो गई कि उसमें इल्ज़ाम तो छोड़िए कोरा झूठ बोला जाता था, तो जो आदमी की शुरुआत ही झूठ से हुई उस पर तो विश्वास ऐसे भी नहीं कर सकते। आज वो अपने डिफेंस पर जो बातें कर रहे हैं उस पर विश्वास भी नहीं होता और इस बात सिद्ध हो जाती है कि ज़रूर दाल में तो कुछ काला है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली लगती है जहाँ तक इनके भ्रष्टाचार की बात है। जहाँ तक इनके विकास की बात है वो तो हुआ ही नहीं है ना, तो एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हमें तो इनके विकास पर इनसे प्रश्न पूछने चाहिए, और जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है जिसकी बार बार आज कोर्ट में बातें जा रही हैं उसके ऊपर भी तो सवाल उठाना पड़ेगा। आप मुझे कोई और ऐसा राज्य बता दीजिए, और इस राज्य में तो सीमित ताकतें हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भ्रष्टाचार करने की तो ताकत भी नहीं है इसके पास, सीमित ताकतों में ये कहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, वहाँ के 2-3 और मंत्री 6-6 महीने साल साल भर जेल में रहे हो, और ये कोई सरकार तो सरकार या पुलिस तो इल्ज़ाम लगाती है ना, कोर्ट में रखना या बेल देना या नहीं देना ये तो कोर्ट तय करता है ना, और ये तो कोई टाडा में या UAPA में नहीं थे जिसमें बेल का कोई प्रावधान नहीं है, ये तो उन कानूनों में थे जिसमें बेल मिल सकती थी। तो साफ है ना कि कोर्ट को भी ऐसा लगा कि बात संदेह की है, फिर जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट बेल देता है तो कहता है आप बेल से बाहर तो आ सकते हो लेकिन आप दफ्तर नहीं जा सकते, जब भी मुख्यमंत्री थे आप फाइल नहीं देख सकते, तो किस व्यक्ति को फाइल देखने से रोका जाता आप बताइए, जिस पर आपको शक होता है या जिसको आप निकम्मा मानते हैं? निकम्मा मानने का अधिकार तो कोर्ट में नहीं है भाई, निकम्मा तो पब्लिक तय करेगी हमारा मुख्यमंत्री निकम्मा है कि कामयाब है, लेकिन अगर आपको संदेह होता है कि उसमें कोई गलत काम करेगा तब कोर्ट बीच में आती है। तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी कि उनके हिसाब से इतने ज़्यादा शक के घेरे में हैं केजरीवाल कि इनके पास कोई भी सरकारी फाइल जो है नहीं आनी चाहिए, एक समझ लीजिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल पे किया। तो इन 3-4 मुद्दों को उठाकर तुम जाएंगे अवश्य जनता में, देखिए साहब पद तो छोड़ना ही था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, आप दफ्तर नहीं जा सकते, आप अधिकारियों से बात नहीं कर सकते, तो मुख्यमंत्री क्या करेगा, ढोल बजाएगा? और ये तो मुख्यमंत्री बने थे कि फाइलों की हेराफेरी करना, टेंडर पास करना, जब वो काम ही आप नहीं कर सकते तो फिर आपने अपने ऐसे चहेते को दे दिया जो एक तरीके से खुद ही कहती है कि मैं खड़ा हूँ लेके चलती हूँ। तो आम आदमी पार्टी के भी अगर आप नेताओं से बात करो तो उन्होंने कहा कि हमारी तो सबसे कमज़ोर नेता थी जो कभी भी केजरीवाल को चैलेंज नहीं कर सकती थी, उसी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो केजरीवाल बने या आतिशी बने, एक समझ लीजिए चेहरा तो केजरीवाल ही है, और केजरीवाल की नाकामी और उनके भ्रष्टाचार के सवाल इसलिए उसी तरीके से जीवंत रहेंगे इस चुनाव में जिस तरीके से अगर ये मुख्यमंत्री होते तो होते। आवाज़ उठाई थी कि उन्हें बेल मिलनी चाहिए, इस बात का मैं भी समर्थन करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि किसी भी कानून में एक होता है कि आदमी जेल या पुलिस की कस्टडी में इसलिए जाता है कि उससे तहकीकात करनी चाहिए, उसके बाद जेल तभी जाना चाहिए अगर वो आरोपी सिद्ध हो जाए, आरोप सिद्ध हो जाए, आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ, अभी कोर्ट में केस चल रहा है। तो ये जो बात है कि 1-2-3-4 महीने के बाद आप उसको जेल ही में रखें, ये मेरे हिसाब से कानून में ठीक नहीं है। कानून भी कहता है, कोर्ट भी कहते हैं कि बेल मिलनी चाहिए, इसलिए हम इस चीज़ में
चाहे केजरीवाल की बात हो, चाहे हेमंत सोरेन जी की बात हो, चाहे कांग्रेस के किसी नेता की बात हो, हम हमेशा इस समर्थन में हैं कि बेल मिलना चाहिए। लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि केजरीवाल जो है निर्दोष है या भ्रष्ट नहीं है। देखिए, राहुल जी एक बड़े दिल के व्यक्ति हैं और जब भी अधिकारों की, कानून की बात आती है, वो हमेशा कानूनों के या अधिकारों के साथ खड़े होते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को गलत तरीके से लंबा जेल में रखा गया है, उन्होंने उसका साथ दिया है। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि ये निर्दोष हैं। हमने कोई भी केस में नहीं कहा कि कोई निर्दोष है, वो कोर्ट तय करेगी। हम ये कहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया में इतने समय तक आप किसी को जेल रख सकते हैं। और राहुल जी ने हमेशा गठबंधन का धर्म निभाया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि केजरीवाल ये लोग कभी ये धर्म नहीं निभाते हैं। जब राहुल जी को ईडी में बुलाया गया तो केजरीवाल ने कुछ कहा क्या? जब कांग्रेस सरकार पे हमारी सरकारों के लोगों को जेल भेजा जाता है, डरा धमका के हमारे विधायक लिए जाते हैं, तो केजरीवाल ने कभी कुछ कहा क्या? आप तो कहते हैं कि आप गठबंधन में हैं और हमारे नेताओं को आप लोभ दे के, टिकट का लोभ दे के अपनी पार्टी में बुला देते हैं, तो गठबंधन का धर्म कौन नहीं निभाता है? दिक्कत क्या है कि गठबंधन में तो हैं केजरीवाल, लेकिन उन्हें धर्म नहीं समझ में आता। बिकॉज आप कांग्रेस में सत्ता में आती है, उसके पहले ये तय होगा कि कौन कौन हमारे विधायक लड़ेंगे, फिर उन्हें कौन कौन जीतेंगे, और जब जीतते हैं तो हमारे यहाँ हमेशा हाईकमांड तय करती है। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी सीएम क्या उम्मीदवार वैसे तय नहीं किया है। हाँ, कभी कभी ये होता है कि जो वर्तमान में अगर हमारे पास सिटिंग सीएम है तो हम उसको एक तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, खासकर जब हमको मालूम होता है कि अच्छा काम हुआ है। आपको याद होगा अमरिंदर सिंह जी को हमने किया था, इनडायरेक्टली शीला जी की भी बात होती है कि मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन हम लोग कभी ऑफिशियली सीएम का नाम नहीं डिक्लेयर करते। और इसके पीछे एक कारण है, संविधान को देने वाली कांग्रेस है और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसको कहते हैं संसद से जुड़ा हुआ। संसद में ये माना जाता है कि विधानसभा हो, कि विधानसभा के जितने मेंबर हैं, एमएलए हैं रूलिंग पार्टी के, वो तय करते हैं। तो क्योंकि हम उस प्रक्रिया को केवल एक कानून की एक लाइन नहीं मानते, उसको हम आत्मसात करके रखते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जब विधायक हो जाएंगे तब विधायक अपना दल का नेता चुनेंगे जो मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, ये बात भी है कि ये थोड़ी है कि किसी को भी चुन लें। जो मुख्य नेता, प्रमुख नेता होते हैं जिनके कारण हम चुनाव जीतते हैं या दोबारा से सरकार में आते हैं, उनकी हमेशा पहल होती है, इसलिए उन नेताओं को हम अपने कैंपेन में, अपने पोस्टरों में हम पहल देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम लोग अपना नाम नहीं, कभी कभी होता है कि इससे राजनीतिक रूप से कुछ नुकसान हो जाए, लेकिन लोकतंत्र में हमारी जो गहरी निष्ठा है वो हमेशा हम उसको पहला मानते हैं। देखिए, मेरे लिए है, और मैंने इस बात को पहले भी कई लोगों ने इस बात को कहा, जैसे देखिए उद्धव जी वहाँ अपने स्वयं बहुत बड़े नेता हैं और शिवसेना का एक प्रभाव रहा है। लोग कई बार इस बात को सवाल करते हैं कि शिवसेना कुछ चीज़ों में उसका जो भूतकाल रहा है उसमें उस तरीके की चीज़ें करती रही है जो कांग्रेस की मूल परंपराओं से कई हद तक विपरीत रहा है। लेकिन हमारा ये है कि हमारा क्या है, अगर हम चाहते हैं कि एक सेकुलर हिंदुस्तान बने, एक भाईचारे का हिंदुस्तान बने, तमाम लोगों में, तमाम समुदायों के बीच में भाईचारा हो, तो जो लोग सड़क के उस पार खड़े हैं उनको भी तो अपनी तरफ लाने की बात है। आज शिवसेना और हमारे बीच में संबंध बना है तो कुछ हम कदम चल के उनके पास आएंगे, कई कदम वो चल के हमारे पास आएंगे। तो जैसे लोग को कहते हैं कि क्या शिवसेना ने कांग्रेस को कम्युनलाइज किया या कांग्रेस ने उनको सेकुलराइज किया, अब ये आप आर्ग्यूमेंट मान सकते हो। हमारा ये है कि जब आप लोगों के साथ हाथ मिला के चलते हैं और देश हित में और जनहित में चलते हैं तो दोनों पार्टियों के जो ज़्यादा अच्छे मूल होते हैं, जो संविधान से जुड़े होते हैं, जो हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई की परंपराओं से जुड़े होते हैं, वो सामने आते हैं। और आप देखिए ना, एक डेढ़ साल का जो राज रहा उद्धव ठाकरे का, उस पर लोग बहुत तारीफ करते हैं। आज हमारा एक बहुत बड़ा ध्येय ये है कि वो 18 साल के काम को लेकर जब हम लोगों के बीच में महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो उसका लोगों के बीच में एक बड़ा सकारात्मक असर पड़ रहा है।